नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हंगूरी शोभा। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में बुधवार को कोविड संक्रमण के 13,154 नए मामले। कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक सामने आए कुल 900 मामले। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए और एक रोगी हुआ स्वस्थ। नागालैंड में आज से सशस्त्र बल विशेष अधिकारी अधिनियम 1958 की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने कहा शांत और जोखिम वाले राज्य नागालैंड में सशस्त्र बलों का इस्तेमाल राज्य प्रशासन की मदद के लिए जरूरी। राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पापुमपारे जिले में आयोजित बुदुम लंगे ट्रेकिंग अभियान संपन्न। राज्यसभा सांसद नवम रेबिया ने नेतृत्व में आयोजित इस 2 दिवसीय ट्रेकिंग अभियान में राज्य की पर्वतारोही अंशु जमचेन, पतागित सोरांग सहित कई युवा हुए शामिल। केंद्र ने कहा कि देश में अब तक कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 900 मामले सामने आए हैं और 320 मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 143,83,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा पिछले 24 घंटे में 63,91,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 13,154 नए कोविड मामले सामने आए और इस दौरान 7,486 कोविड मरीज ठीक हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.38% है। इस समय देश में कोविड के 82,402 रोगियों का इलाज चल रहा है। इधर अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए और एक रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 19 है। नागालैंड में आज से सशस्त्र बल विशेष अधिनियम 1958 की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार की राय में नागालैंड एक अशांत और जोखिम वाला राज्य है और सशस्त्र बलों का इस्तेमाल राज्य प्रशासन की मदद के लिए बहुत जरूरी है। राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पापुमपारे जिले में आयोजित बुदुम लांगने ट्रेकिंग अभियान बुधवार को संपन्न हो गया। राज्यसभा सांसद नवम रेबिया ने नेतृत्व में आयोजित इस 2 दिवसीय ट्रेकिंग अभियान में राज्य की पर्वतारोही अंशु जमशेनपा, तागित सोरांग सहित कई युवा भी शामिल थे। अंशु जमशेनपा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में साहसिक खेलों के अलावा पर्यटन के अन्य क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने लोगों से लाल आने, बुदुम लांगने सहित प्रदेश के विभिन्न पर्वतों की चढ़ाई करने और इसे लोकप्रिय बनाने की अपील की। ट्रैकिंग करते हुए और तो बहुत सारी जगह में मैं गया, अलग अलग स्टेट में, लेकिन यहाँ पे जो है कल जो मैंने देखा, स्पेशली इस ट्रैक के बारे में बात करूँ तो ये ट्रैकिंग जो है वो कोई भी कर सकता है। कोई भी बिगिनर जिनको मतलब इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं यहाँ पे। और इसका बेनिफिट ये है कि देखो, अभी सिटी में हम लोग इतना पोल्यूटेड, मतलब पोल्यूशन है, स्ट्रेस लो रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग नेचर के पास में जाए, है ना। एक थेरोपेटिक मतलब ये होता है, और जब आप नेचर के पास जाते हैं तो आपको बहुत इंस्पिरेशन भी मिलता है नेचर से। यू कैन ड्रॉ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आए। और यहाँ से ईटानगर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो एक्सेस भी इसका इजी है। तो मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पे सबको मैं इनवाइट करूँगी कि सब आए, एंजॉय करें। मैंने भी बहुत एंजॉय किया। ठीक है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अरुणाचल एक ब्लेस्ड स्टेट है, यहाँ पे सब कुछ है, बट नेचुरल मतलब गॉड गिफ्टेड सब कुछ है। हमें उस चीज़ को हमको आइडेंटिफाई करना है, ये करना, और प्रोफेशनली इसको रन करना। प्रोफेशनलिज्म जो चीज़ है वो यहाँ पे मिसिंग है। लोग ऑर्गेनाइज तो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट जिस तरह से बाकी स्टेट के बाद में करो तो वहाँ पे बहुत प्रोफेशनली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो चीज़ का यहाँ पे थोड़ा सा कमी है। उस चीज़ पे हम लोगों को काम करना है। एंड मैंने बोला कि यहाँ पे आप लोग आइए, देखिए, बट एट द सेम टाइम जब भी हम लोग नेचर में जाएंगे तो हमेशा एक बात हमें याद रखना है कि वी शुड नेवर लीव एनी मतलब कार्बन फुटप्रिंट, है ना। तो आप जब भी आएंगे तो ये माइंडफुल रहे कि आप लोग रबिश यहाँ पे फेंक के ना जाए, उसको वापस कैरी करके लेके जाए, प्रॉपर तरीके से उसको ये डिस्पोज करें। तो घूमने से क्या होता है, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, इट ओपन्स अप योर माइंड, है ना, आपका आउटलुक चेंज हो जाता है।
तो वो ज़रूरी है, घूमना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम अपने जगह को भी जानना ज़रूरी है। तो उस चीज़ का इंपॉर्टेंस को भी आपको रखना है। आप सबके बारे में आपको पता है, लेकिन आप अपने जगह के बारे में पता नहीं, तो वो एक दुख की बात होती है। तो पहले आप अपना कल्चर, अपने अपने जगह को जाने, देन उसके बाद आप दूसरे का उसको भी सीखे, है ना। वहाँ से जो अच्छा होगा उसको, यहाँ जो अच्छा उसको बताए, अप्लाई करें, यही है लाइक दैट्स लर्निंग प्रोसेस। ला लाने जो है वो थोड़ा सा टफ है, मैं यही बोलूँगा। एंड स्पेशली हम लोगों ने 2 दिन में उसको कम्प्लीट किया है ना, तो गाँव वाले भी बोल रहे थे कि यूजली वो 3 डेज तो मिनिमम लगाते करके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हम लोगों ने सुबह 4 बजे ट्रैक स्टार्ट किया, रात को 10 बजे ट्रैक ख़त्म हुआ। तो एकदम मेमोरेबल था वो। और वहाँ पे राज्यसभा सांसद नवम रिबिया ने बुधवार को पापुमपारे जिले के सतांग में बोधुम लांगने ट्रेकिंग बेस कैंप का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बोधुम लांगने ट्रेकिंग एरिया किसी जिले विशेष का न होकर एक सामुदायिक क्षेत्र है और राज्य सरकार की सहायता से इसके विकास और ट्रेकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। श्री रिबिया ने कहा कि पर्यटकों के लिए साहसिक खेल सुविधाओं के विकास से इस क्षेत्र में पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा। ये कम्युनिटी लैंड बनाने का सबका सजेशन है। ये द लैंड डजंट बिलोंग टू एनीबॉडी, किसी को कम्युनिटी लैंड है ये, उसको एरिया ना सगाली ना दोईमुख ऐसा नहीं बोलना है। इस एरिया को बचाना है, पूरा जो उसका जो पेरिफेरल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है, कहाँ तक ये है, किस नाला से किस नदी से, ओके हमें बाउंड्री बनाना है, मैपिंग करके हम लोग कोशिश करेंगे उसको एक कम्युनिटी लैंड रिजर्व एरिया बनाएंगे, CR बोलते हैं ना, तो एरिया बनाएंगे नोटिफाई करके। आई थिंक पब्लिक का पूरा सहयोग रहेगा, मुझे उम्मीद है। देखिए अभी ये तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी ट्रेकिंग रूट भी हम सोच रहे हैं थोड़ा सा जेंटल वे से यहाँ सामने से बनाएंगे, और रास्ता तो सामने गाड़ी आती है, रास्ता है, तो ट्रेकिंग रूट को हम लोग थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स लोग अगले बार से जब भी होगा वो ऐसा आज का जैसा हम लोग उसको फ्री नहीं रखेंगे, कुछ फी चार्ज करके उसको बढ़ाना, एरिया का इम्पोर्टेंस को बढ़वाने के लिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूरे भारत में बांस उद्योग की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आज नीति आयोग द्वारा बांस उद्योग के विकास विषय पर राष्ट्रीय स्तर की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि बांस की व्यावसायिक खेती और इससे इनोवेटिव उत्पाद तैयार कर किसान अपनी आय आसानी से बढ़ा सकते हैं। जूता बैम्बू का, सॉक्स बैम्बू का, इंसिडेंटली आई वाज वेयरिंग बैम्बू सॉक यस्टरडे, टुडे आई एम नॉट वेयरिंग, अदरवाइज आई कुड हैव डिस्प्लेड, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुली डन दीज डेज। उसके बाद अगर आप मकान बनाने लगेंगे तो पैनल बैम्बू का, दीवार बैम्बू की, फर्निशिंग करने लगेंगे तो फर्नीचर बैम्बू का, और अगर ऊर्जा के लिए फ्यूल लेना है तो इथेनॉल भी बैम्बू का। So I think bamboo is one commodity which serves and suffices all the human needs from morning to bedtime. If this is percolated, and it's a huge versatile source of entrepreneurship startup, and also at the same time now the world is getting increasingly conscious of the environment and the clean energy, I think one of the very important sources of clean energy and ethanol in the times to come is bamboo. And the other part is that even after it is dead, it is still carries value. So jab bamboo jal jaye to uska kagaz ban liya, acha kalam bhi bamboo ki, kagaz bhi bamboo ka, to likhne padhne ke liye bhi bamboo. So it's such a precious, I think, commodity given to us by the Almighty. It serves you when it's alive. It continues to serve you when it is no more, and it serves virtually every activity of yours. And therefore, the irony is that maybe we were not made that conscious, or we didn't try to that conscious, but the other countries of the world became conscious of the huge properties of bamboo.
गुजरात के कच्छ जिले के कोटेश्वर से अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के काहो के बीच शुरू आयोजित इनकार्नेशन स्पोर्ट्स आज संपन्न हो गई। गम्बॉल इंडिया द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित दूसरे संस्करण की प्रतियोगिता ने 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 24 दिसंबर को गुजरात के कोटेश्वर से शुरू इस प्रतियोगिता के तहत करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके 16 में से केवल 8 प्रतिभागी अंजाव जिले के काहो तक पहुंच सके। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज की कड़ी में जानिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार पोर्ट ब्लेयर में जिमखाना ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसे ब्रिटिश शासन से मुक्त पहला भारतीय क्षेत्र घोषित किया। इसे अब नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। फिरंगियों की कौम पर वो कहर बन के छाएंगे। नेताजी ने अंडमान द्वीप को शहीद और निकोबार द्वीप को स्वराज नाम दिया और INA के जनरल AD लोगनाथन को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। आजाद हिंद सरकार अब केवल निर्वासित सरकार नहीं थी बल्कि उसकी अपनी जमीन, अपनी मुद्रा, नागरिक संहिता और यहाँ तक कि डाक टिकट भी थी। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो के सुपरमार्केट में 25 दिसंबर की रात को आग दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। मृतक व्यक्ति की पहचान 60 वर्षीय बोमजिर हाजी के रूप में की गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अरुणाचल टाइम्स के स्थानीय संवाददाता का घर पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय पासीघाट द्वारा लोअर दिबांग वैली जिले के हुनली देसाली किसानों के लिए ओयस्टर मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान AICRP प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर RC स्वाक्वायर ने किसानों को वाइल्ड मशरूम्स और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मशरूम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसानों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने और कृषि के माध्यम से अपनी आय को बढ़ाने का आह्वान किया। अभी करना क्या है, इसमें हम पेडिस्टर डाल दिए, वो छाया में सूखने वाला, उसको यहाँ में डाल दिया। उसके बाद एक हाथ में, उस समय जब हम ये बनाएंगे ना तो हाथ अपना बिल्कुल सफा है। डिटॉल है, ग्लास सैनिटाइजर की इनिशियली तो आपका ये ब्लॉक लेवल पे है या वहां तक जाते ही बहुत सारा दिख जाएगा ना इसका। तो ये इस तरीके का एक वेंचर है, इसीलिए आपका बस्ती को या ये ब्लॉक को ना हम लोगों ने नहीं, ऊपर से जो भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, भारत सरकार ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये बैकवर्ड एरिया है ना, यहाँ लोगों का पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने अपना कम्युनिकेशन ऐसे करके कि एक दिन हम मैप में भी देख रहे थे ये कहाँ है, कहाँ होता है, कैसे मिलेगा क्या, लेकिन आप सबका सहयोग रहा, लव और अफेक्शन रहा, तो आज हम यही आ गए, आप लोग से बातचीत हो रही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। जो तेजू तक तो हमारे लोग आते हैं, तेजू रोइंग में बहुत लोग करते हैं, बस वहां से यहाँ तक वही आने जाने का वही अफेक्शन की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज, हमको भी जानकारी नहीं था, हम लोग भी इस रास्ते में फर्स्ट टाइम ही आए। क्रॉप है, ज्यादा नहीं है, 45 days समझ रहे हैं आप, 1.5 महीने लगेगा तो सारा आपका हार्वेस्ट हो जाएगा। और हम एनवायरमेंट सिस्टम को जैसे हमारा बना हुआ है ना ऑर्गेनिक, वैसे ही हम इसको मेंटेन भी रख सकते हैं। बस वही है जो हमने बात कही ना, जो पेडिस्टा का कलेक्शन कर लीजिए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमें मास्क लगाए, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है।
अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।